नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर की एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश की फैंटेसी 11 टीम के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिच रिपोर्ट्स, मैच डिटेल्स और ग्राउंड से रिलेटेड सारी खबरें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले कर लीजिए, और वीडियो को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले भारत की स्क्वाड की तरफ देखते हैं। भारतीय टीम में अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, उसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव आपको दिख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश स्क्वाड की बात की जाए तो बांग्लादेश में आपको शाकिब अल हसन कप्तान, लिटन दास विकेटकीपर, बल्लेबाज तंजीद हसन, उसके बाद नजमुल हुसैन शंतो वाइस कप्तान है, तोहिद हिरदे, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला रियाद, मेहंदी हसन मिराज, नसूम अहमद, शक मेहदी हसन, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम और तंजीद हसन शाकिब। तो ये थी दोनों टीमों की स्क्वाड। अगर अब दोनों की बीच ओडीआई मुकाबलों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 40 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से 31 मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि 8 मुकाबलों में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकला है। वहीं वर्ल्ड कप में बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 4 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 3 मुकाबले आपको भारत ने जीते और एक मुकाबला जो 2007 में बांग्लादेश ने जीता था, वही एकमात्र अभी तक वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में बांग्लादेश ने भारत को हराया। उसके अलावा भारत का यहाँ पे दबदबा आपको दिख रहा है। वहीं इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें अभी तक दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की, तो एक तरफ देखिए कि जो भारतीय टीम है वो काफी शानदार फॉर्म में 3 मुकाबले लगातार जीत के आ रही है। वहीं बांग्लादेश अपने पहला मुकाबला जो अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले हार कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अफगानिस्तान टीम थोड़ी पीछे दिख रही है, लेकिन वहीं अगर भारत और बांग्लादेश के पिछले 5 मुकाबलों की बात की जाए तो यहाँ पे 3 मुकाबले बांग्लादेश ने जीते। तो कहीं ना कहीं रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो बांग्लादेश ने चकमा दिया है यहाँ पे भारत को, और कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भी भारी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश एक बार फिर से, क्योंकि इस हफ्ते के अगर मुकाबले भी हम देखें, अफगानिस्तान ने जैसे पहले उलटफेर किया, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, उसके बाद नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बांग्लादेश भी चाहेगी कि एक बार फिर से इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं उलट फेर करते हुए दिखे, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेला और नीदरलैंड ने, उससे कहीं ना कहीं इन छोटी टीमों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं बड़ी टीमों को और कड़ी टक्कर देना चाहेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की कप्तानी भी अगर देखा जाए तो शाकिब अल हसन के हाथों में, जो कि काफी अच्छे कप्तान है, हालांकि पिछले मुकाबले वो नहीं खेले थे। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में वो फिट होते हैं या नहीं होते। अगर वो नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिटन दास या फिर हुसैन संतो आपको एक बार फिर से कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए, ये मुकाबला पुणे के ग्राउंड पर खेला जाएगा, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र की ये जो पुणे की पिच है, कहीं ना अभी तक इस पिच पे कोई भी वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये फ्रेश पिच होगी। और इस विकेट की अगर बात की जाए तो ये बैटिंग पिच काफी मानी जाती है। यहाँ का एवरेज स्कोर ही फर्स्ट इनिंग का 307 रन है, तो कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर जब 300 प्लस है तो यहाँ पे एक बड़ा स्कोर आपको बनते हुए दिख सकता है। और उम्मीद करेंगे कि कल भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आपको दिखे, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा, आप देखिए यहाँ का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे 7 ओडीआईज मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मुकाबले आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और उसके बाद जो बॉलिंग फर्स्ट करती है उन्होंने 3 मुकाबले जीते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पहले बैटिंग करता है वो थोड़ा फायदे में रहेगा, और टॉस जीत के जो भी कप्तान, चाहे रोहित शर्मा या फिर शाकिब होंगे बांग्लादेश के कप्तान, वो यहाँ पे आपको पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि ये विकेट काफी बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पे रन काफी आपको बनते हुए दिखते हैं। और साथ में यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली और या फिर लिटन दास हो गए, शाकिब, इनके बल्ले से भी आपको रन बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर यहाँ के हाईएस्ट टोटल की बात करें जो पुणे ग्राउंड पे बनाए, यहाँ पे 356 रन 7 विकेट पे यहाँ पे बनाए, इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला खेला गया था यहाँ पे 48 ओवर में 356 रन बना दिए थे। वहीं हाईएस्ट स्कोर भी ये चेज हुआ था, भारत ने यहाँ पे चेज करा था 356 रन। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात होगी जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करेगी, कि 356 रन तक का स्कोर भी यहाँ पे डिफेंड मतलब चेज हो सकता है। तो यहाँ पे टीम कहीं ना कहीं 350 से प्लस स्कोर देखना चाहेगी। तो अब आगे बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, संभावित जो 11 हो सकती है दोनों टीमों की, उसमें अगर बात कर ली जाए, देखिए अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो यहां पे तेज गेंदबाजी खेलेंगे, क्योंकि यहां पे पिच जो है तेज गेंदबाजों को मदद करती है। तो यहां पे शायद आपको शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं, या फिर आपको मोहम्मद शमी उनकी जगह खेलते हुए दिख सकते हैं, नहीं तो अश्विन के तो शायद आपकी टीम में वापसी अभी होते हुए नहीं दिखेगी। क्योंकि आप देखिए कि कप्तान अगर प्लेइंग को देखा जाए तो रोहित शर्मा कप्तान खेलेंगे, शुभमन गिल उनके साथ ओपन करेंगे, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या,
है रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव आपके मेन स्पिनर है वो खेलते हुए दिखेंगे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज हालांकि अभी तक वो फॉर्म इनकी वर्ल्ड कप में दिखी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ तो वहां पर काफी शानदार गेंदबाजी करी थी और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने फॉर्म में वापसी कर ली है। तो यहाँ पे एक बार क्योंकि पुणे के पिच पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है तो शायद आपको मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की ही जोड़ी आपको खेलते हुए दिखे, बसरते अगर मोहम्मद शमी को अगर टीम इंक्लूड करना चाहती है तो वहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में लेते हो तो एक बार जब टॉस हो जाए तो उस बार प्लीज अपनी प्लेइंग 11 को चेक कर लीजिएगा, जो भी टीम आप फैंटेसी 11 बनाइएगा तो उसमें एक बार जरूर चेक करके उसके बाद आप अपने फैंटेसी 11 टीम को आगे बढ़ाइएगा। वही बांग्लादेश की अगर बात करें जो प्लेइंग 11 हो सकती है इनकी, देखिए लिटन दास के साथ आपको तंजीद हसन पारी की शुरुआत करते हुए देख सकते हैं, उसके बाद मेहंदी हसन, नजमुल हुसैन, संतो, साकिब अल हसन अगर फिट रहते तो वो खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद तोहिद हिरदे, महमूदुल्ला रियाज जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज है, उसके बाद तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और फुल इस्लाम की आपको जोड़ी गेंदबाजी में दिखेगी। इसके बाद अगर प्लेयर स्टैट्स की बात करें जो इन दोनों टीमों से अभी तक जिसने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए तो देखिएगा रोहित शर्मा यहां पे 217 रन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। पाकिस्तान के खिलाफ 86 रन की पारी खेली थी, उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रन की, तो कहीं ना कहीं काफी शानदार फॉर्म में यहां पे भारतीय कप्तान है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं टीम को और कहीं ना कहीं एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं बाकी टीमों के लिए कि एक कप्तान के तौर पर आप कैसे खेल सकते हो। तो यहां पे रोहित शर्मा भी आपके फैंटेसी 11 टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। वही बांग्लादेश की तरफ से देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, जो 2007 में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ था वहां पर राहुल द्रविड़ की टीम को जो मैच हराया था बांग्लादेश ने, उस टीम का ये हिस्सा भी थे और इस बार भी वो काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, विकेट कीपिंग भी काफी शानदार करते हैं और साथ में मिडल ऑर्डर में आके बांग्लादेश की पारी को काफी अच्छी तरीके से संभालते हुए दिख रहे हैं। यहां पे इन्होंने बांग्लादेश के लिए आप देखिए 119 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, तो ये भी आपकी टीम में होने चाहिए। वहीं शुभमन गिल हालांकि 16 रन की पारी खेली थी जिसमें चार चौके लगाए थे इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और अच्छे टच में देखे थे, हालांकि वहां पर एक खराब शॉट खेल के ये पॉइंट पर शाहीन शाहरीदी का शिकार हो गए थे, लेकिन इस मैच में वो अपने कहीं ना कहीं उस रनों की भूख को पूरा करना चाहेंगे और यहाँ पे क्योंकि बैटिंग पिच है और शुभमन गिल को हमने देखा है कि जैसे अहमदाबाद की भी बैटिंग पिच थी या उससे पहले जो भी जहां पे थोड़ी बैटिंग को मदद मिलती है तो वहां पे शुभमन गिल अलग फॉर्म में दिखते हैं और रन बनाते हुए आपको दिखेंगे। तो यहां पे शुभमन गिल भी काफी शानदार फॉर्म में, फिर विराट कोहली भी 156 रन अभी तक इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, पहले दोनों मुकाबलों में अर्धशतक लगाया था, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे लेकिन इस मुकाबले में वो आपको थोड़े और 3 नंबर पे आगे आपको एक बढ़िया पारी खेलते हुए दिख सकते हैं। तो यहां पे अगर फैंटेसी 11 की बात की जाए दोनों जो बांग्लादेश और भारत का मुकाबला होने वाला है तो यहाँ पे आप देखिए विकेट कीपर के रूप में आप मुशफिकुर रहीम और लिटन दास को अपनी टीम में रख सकते हैं। लिटन दास पारी की शुरुआत करते हुए बांग्लादेश की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं, तो यहाँ पे लिटन दास आपकी टीम में होना चाहिए। अगर लिटन दास नहीं तो उनके बैकअप के तौर पर आप केएल राहुल को रख सकते हैं। मेरा मानना है कि कल बैटिंग पिच है तो शायद केएल राहुल की बैटिंग ही ना आए और आएगी भी तो शायद मुझे लगता है कि कुछ आखिरी ओवर्स में, तो इसलिए आप केएल राहुल को बैकअप पे रख सकते हैं, लेकिन लिटन दास क्योंकि पारी की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे लिटन दास आपकी टीम में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुशफिकुर रहीम और लिटन दास को अपनी टीम में रखिए। उसके बाद बैट्समैनों की बात की जाए तो यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, साथ में शुभमन गिल, ये आपके 3 बैट्समैन होने चाहिए। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आते हैं क्योंकि देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल की मैंने बात करी ली तो अब सीधा ऑलराउंडर्स पे आते हैं। तो यही ऑलराउंडर्स की बात करें तो इसमें आप शाकिब अल हसन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा क्योंकि शाकिब देखिए गेंद से भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लगातार बांग्लादेश को ब्रेक थ्रू दिलाते रहते हैं और लेफ्ट आर्म गेंदबाज है तो यहाँ पे थोड़ी जो राइट आर्म बैट्समैन होते हैं उनको दिक्कत है और भारत में आप देखिए कि बहुत सारे राइट आर्म बैट्समैन है तो यहाँ पे शाकिब अल हसन को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या आप ऑलराउंडर के तौर पर रखना चाहेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या को हमने देखा है कि काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या गेंद से भी पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, फिर उसके बाद बैटिंग से भी जब भी मौका मिलता तो वो कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से भी मतलब टीम इंडिया या अपने लिए रन बनाते हुए आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या, उसके बाद मेहंदी हसन मिराज, अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया था, 3 विकेटें भी ली थी तो कहीं ना कहीं हसन यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज को भी आप अपने ऑलराउंडर की लिस्ट में रख सकते हैं और ये काफी अच्छी पिक है क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी करते हैं और बैटिंग से भी आजकल काफी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके 3 ऑलराउंडर हो सकते हैं, शाकिब, हार्दिक और मेहंदी हसन मिराज। उसके बाद बॉलर्स की बात करें क्योंकि तेज पिच है यहाँ पे तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी तो जसप्रीत बुमराह आपकी पिक होनी ही चाहिए जो 8 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप में, 4 विकेट आपने अफगानिस्तान के खिलाफ देखे थे, उसके बाद 2 टीम की जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां पे आपको मिली थी तो कहीं ना कहीं काफी शानदार पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 2 विकेट ली थी। तो जसप्रीत बुमराह भी काफी अच्छी फॉर्म में है तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, नई गेंद से ही आपको सफलता दिला सकते हैं और एंड ओवर में भी डेथ ओवर में भी आखिर ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पे
जसप्रीत बुमराह, उसके बाद कुलदीप यादव तो आपकी मस्ट पिक बनते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्पिन गेंदबाज होना चाहिए जो विकेट टेकर हो, और लगातार मिडल ओवर्स में ये कुलदीप यादव भारत के लिए वो काम करते हुए दिख रहे हैं, विकेट आपको निकाल के देते हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी इनको पढ़ना थोड़ा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमने देखा बड़े बड़े बल्लेबाज इनके सामने आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो शाकिब की टीम है उनमें काफी ऐसे बल्लेबाज है जो कुलदीप को शायद ना पढ़ पाए, तो यहाँ पे कुलदीप को अपनी टीम में रखना जरूर। उसके बाद मोहम्मद सिराज, अगर मोहम्मद शमी खेलते हो तो आप मोहम्मद शमी को भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा लग रहा है कि मोहम्मद शमी शायद नहीं खेलेंगे, तो आप मोहम्मद सिराज को रख सकते हैं, क्योंकि नई गेंद से वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले दो मुकाबले उतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी फॉर्म को ढूंढ लिया, तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज आपकी एक अच्छी पिक हो सकते हैं। अब कप्तान और वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं। देखिए इस टीम में अगर देखा जाए तो पहले एक बार फिर से आपको टीम बता देता हूँ। कीपर्स आपको देखिए मुशफिकुर रहीम और लिटन दास को आप रख सकते हैं। उसके बाद बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। ऑलराउंडर में शाकिब, हार्दिक पांड्या और मेहंदी हसन मिराज। उसके बाद गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अब मोहम्मद सिराज, तो ये आपके गेंदबाज हो जाएंगे। हालांकि आप बैकअप में तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम को भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इनके अलावा जो विकल्प बैकअप के तौर पर आप रख सकते हैं। अब कप्तान की बात कर लें तो कप्तान में आप देखिए रोहित शर्मा को आप कप्तान यहाँ पर जरूर बना सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पिच है और हमने अभी तक देखा है जब भी यहाँ पर थोड़ी बॉल ज्यादा स्विंग नहीं होगी तो यहाँ पे रोहित शर्मा आपको और अच्छे यहाँ पे रन बनाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि उनको थोड़ा मुस्तफिजुर रहमान से संभल के रहना पड़ेगा, लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो हमने देखा आईपीएल में भी काफी बार आउट करे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर रोहित शर्मा शुरुआत के 5-6 ओवर खेल जाते तो उसके बाद मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा आपको यहाँ पे बहुत बड़ी पारी खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पुणे के पीछे यहाँ पे लंबे लंबे स्कोर हमको बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा पे आप अपना दाव लगा सकते हैं, कप्तान उनको बनाइए, और उप कप्तान आप शुभमन गिल की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी पिक होंगे, क्योंकि वो भी पारी की शुरुआत करेंगे और एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल को आप वाइस कप्तान बना सकते हैं, या फिर अगर आपको शुभमन गिल को नहीं बनाना है तो आप किसी ऑलराउंडर को बना सकते हैं, जैसे कि शाकिब अल हसन, जो कि इस पिच पर रन भी बना सकते हैं और गेंदबाजी से विकेट भी ले सकते हैं। तो ये थी पूरी टीम। अब देखना होगा कि कल का मैच कितना धमाकेदार होता है। अब तक के बहुत इस हफ्ते के अगर मुकाबले देखे जाए तो काफी उलटफेर देखने को मिले, उम्मीद करेंगे कि कल उलटफेर देखने को ना मिले और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत कर फिर से टॉप पे बनी रहे, अपना चौथा मुकाबला लगातार जीते। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।